हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज का जो वीडियो है मैं काफ़ी दुख के साथ बना रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी न्यूज़ मिला है कि जो इंडिया के नंबर वन ट्रेडर और इन्वेस्टर है मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, उनका निधन हो चुका है एट द एज ऑफ 62। और मुझे नहीं लगता 62 कोई ज़्यादा एज होती है, क्योंकि लोग खुद 60 के एज में रिटायर होते हैं, तो 62 तो क्या ही एज बोले। और उनकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग थी। वो 5,000 रुपये लेके आए थे स्टॉक मार्केट में, और उन्होंने 40,000 करोड़ रुपये बनाए, और उन्होंने ये लोगों का मिथ तोड़ दिया कि लोग स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। पैसा कमा सकते हैं, लेकिन लोग सोचते थे कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ लोग पैसे इन्वेस्ट करते आते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनाया जा सकता, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मुझे याद है कि मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था, जहाँ पे उन्होंने कहा था, उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप ट्रेडिंग कल्चर को काफ़ी बढ़ावा देते हैं, और लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट से किसी का घर नहीं चल सकता, वो सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए रहता है, लोग लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं। तो राकेश झुनझुनवाला ने सिर्फ एक ही लाइन का आंसर दिया। उन्होंने कहा कि मैं 5,000 रुपये लेके आया था स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टिंग के लिए क्या पैसा आपका बाप देगा? तो वो जो भी बोलते थे एकदम सटीक बोलते थे, और चाहे लोगों को बुरा लगे या ना लगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी उनका जो एनालिटिक्स था, रिसर्च था, उनका जो फोरकास्ट था वो काफ़ी एक्यूरेट रहता था। और उन्होंने अभी 5 दिन पहले ही अपनी नई एयरलाइन चालू की थी, आकाशा एयर, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। और उन्होंने अभी कुछ महीने पहले ही अपना नया घर भी लिया था, तो ये एक मतलब इंडिया के लिए तो बहुत बड़ा लॉस है ही। और वो कुछ दिन पहले सुर्खियों में भी थे, आपको पता होगा, जब नरेंद्र मोदी उनसे मिलने के लिए गए थे तो उनकी जो शर्ट थी वो क्रम्पल थी, तो उनसे भी काफ़ी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो मतलब मैं क्या बताऊँ, अब कल 15 अगस्त है, 14 अगस्त को उनका देहांत हो गया, और लोग भूल जाएंगे कि आज उनका देहांत हुआ था, 100% श्योर। लेकिन स्टॉक मार्केट के जितने भी लोग हैं, क्योंकि मैं भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हूं तो मुझे पता है, जितने भी लोग हैं उनको याद रहेगा कि 14 अगस्त इज़ अ ब्लैक डे फॉर स्टॉक मार्केट।